क्या कर रहे हो तुम? मेरा आजकल का शेड्यूल ऐसा हो गया है। ओ, ये देखो, कल रात को बहुत ज्यादा फूल खिला, ऐसे ऐसे कूदेगा। ऋषियों ने मुझे अंदर बुलाया। शिट यार, आज दो तीन काम है। बंद हो गया तुम तो। सुप्रभात दोस्तों, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। अभी सुबह के बज रहे हैं 10। उठने में थोड़ा लेट हो गया मुझे। यह है मेरा सुबह का पहला चाय। चाय पीते पीते मैं करने वाली हूँ पूरे कैंपस का भ्रमण, जैसा कि हमेशा मैं करती हूँ। बहुत टाइम हो गया था घर का ब्लॉग दिए हुए, और बहुत टाइम हो गया। मतलब मेरा आजकल का शेड्यूल ऐसा हो गया है ना कि बाहर घर, बाहर घर, बाहर घर, ऐसे हो रहा है। तो अभी फिर से कुछ टाइम बाद मुझे बाहर जाना है, तो अभी चलो थोड़ा सा कैंपस का भ्रमण करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे लोग उठेंगे सबसे मिलवाएंगे आपको। देखो नया टाइल आ गया, और ये लगेगा उधर। बाप रे, ये जो लोग कूद फान करते हैं ना शिवम मंगल और सब लोग, अब करें देखना गिर जाएंगे, चारों खाने चित हो जाएंगे। सुनीता, हाउ आर यू बेटा, कैसी हो, कैसी हो? चाय हाथ में, नहीं तो हम तुमको कस के हक कर लेते। जब वहाँ पे टाइल लेके बैठे है ना, वो टाइल इधर लगेगा। इधर देखो, व्हाइट वाला टाइल लगा है, अब नीचे में भी टाइल लगेगा। आने से पहले इस खेत में मैं प्लांट लगा के गई थी। देखो थोड़ा बहुत तो हो गया है। ये वाला उग गया है, निकल गया है। ये बीज था ना जो डाला था, देखो निकल गया। ओहो, ये देखो, ये कुछ तो था, मैं भूल रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये था बीन्स जो कि निकल चुका है। वाह 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 वाह, देख के बड़ा सुकून मिला यार। कल रात को बहुत ज्यादा फूल खिला था, इसमें लेने आई मैं तो, अभी देखो एक भी नहीं दिख रहा यार। थोड़ा लेट गिरता ना ये फूल, मजा आ जाता। मैं कितना ज्यादा सेल्फिश इंसान, मैं खुद जल्दी नहीं उठ सकती तो फूल को बोल रही हो कि थोड़ा लेट गिरता ना तो मजा आ जाता। क्या यार, पागला गए हैं हम। सामने वाले खेत में एक केले का छोटा सा खवद है जिसको रोज रोज मैं देखती हूँ, ये सोच के कि कब वो केला पकेगा और कब खाने को मिलेगा, क्योंकि घर के केले को खाने का मजा ही कुछ और है। आज दो तीन काम है, इम्पोर्टेंट काम जो कि मुझे करना है। पहला काम, जो बाकी के बचे हुए बीज थे ना फ्लावर्स के या जो भी है सब्जी के, वो सब लगाऊंगी मैं। और उसके बाद, हालांकि 4 दिन बाद मैं घर आई हूँ, 3 दिन बाद, तो बचे हुए काम मुझे निपटाने हैं। जितने भी प्लांट देख रहे हो ना, ये सारे फ्लावर्स के प्लांट है, सारे जो कि निकल चुके हैं। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे इनको देख के। देखो मंगल अभी अभी सो के उठा और पांडा ने इसका हालत चटनी की तरह बना दिया। मंगल, अभी मैंने ना कैमरा ऑन करने में लेट कर दिया, मंगल के छाती पे ये दोनों अपना पैर रखा था। ओए हुई, फिर रखा, ओए हुई, ओए हुई, ओए हुई, क्या है मेरा बाबू को, क्या है भाई? अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? टंटान, अरे मेरा प्यारा टंटान। मंगल, बेचारा मंगल, तुम गिर जाना, लेकिन टंटन नहीं गिरना चाहिए। अगर गिर गया ना तो देखना तुम्हारा क्या हाल करेंगे। आया आया, एक जलन खोर आया, जलन खोर आ गया। अब वो कूदेगा, ऐसे ऐसे कूदेगा। ओह मेरा बेटा, मेरा सबसे प्यारा बेटा, दुलारा बेटा है। कौन? यूटू बेटा। ये लेकिन एक बात हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा चप्पल छोड़ के बेचारा कुछ बर्बाद नहीं किया है। चलो इसका मुंह पोछ दो। तो पूजा दी, जो बर्बाद किया है वैसा चीज बर्बाद किया है कि उसके लिए इसको मार नहीं सकते हैं। ये तो पांडा तो भैया चश्मा खा जाता था, 3-4 हजार रुपए का चश्मा एक बार में साफ। पूजा दी, इसका मुंह साफ कर दो, आंख साफ कर दो। सो के उठा है बेचारा, गंदा हो गया है तुम इधर। हां गंदा हो गया है। आइए इधर अंकल, आप तो बड़े हो गए, बच्चे हैं नहीं अंकल। उफ अंकल, हे भगवान। आ जा बेटा, तू अंदर नहीं बांधने लायक है मेरा बाबू। खोलो तो मम्मी, खोल दो बेचारे को, खोल दो, ये राक्षस इधर बांधने लायक नहीं है। मम्मी बात समझा करो, चलो चलो बेटा चलो। इसको बांधा तो नुकसान अलग कर दिया ये झाड़ू का, ये देखो। चल अंदर, बाहर चल, बाहर चल, बाहर चल। इतने प्यार से किचन में बैठा है, मम्मी कह रही है मुझे लगता था कि बहुत सीधा है। अगर ये इतना ही सीधा होता दिक्कत किसी बात की नहीं थी। इसका नाक देखो, इसका नाक देखो कितना काला है इसका नाक। ऋषियों ने मुझे अंदर बुलाया, पता नहीं क्या क्या काम करवा लिया। इसको बोलती हूँ कि जो भी काम करवाते हो 10 रुपये दिया करो, देता ही नहीं है। मस्त चीज है ऋषियों में जो भी है, है? सच में एकदम मखमैला चीज है। दोस्तों अगर आपको रोड पे सोना है तो आप इसको बिछा के सो सकते हो। अब कुछ नहीं कराएंगे हम, पैसा दो पहले। अरे और है इसमें, और लगाना है भाई, पूरे पे लगाना है। हाँ। तो तुम लगाओ ना, हमको काय कह रहे हो? या मंगल को बुला लो, वो तो बेचारा फोकटिया में बैठा रहता है, कोई भी उसे काम करवा के निकल जाता है। मंगल को बुलाओ, हम पापा के लिए चाय बना रहे हैं, प्लीज हमको डू नॉट डिस्टर्ब करो। शिवम, डू नॉट डिस्टर्ब करो हमको। तो की जिंदगी तो उसी दिन खराब हो गई थी जिस दिन हम लोग इसको लेके आए थे। अरे जीने दे, जीने दे भाई, हम लोग को जीने दे। काम करो तो बाहर खड़ा रहेगा ये।
तो जैसा कि मैंने सुबह में बोला था कि आज ना मुझे बीज लगाना है बचा हुआ, तो ये देखो मैंने तैयारी शुरू कर दिया है, ऑलमोस्ट हो भी चुका है। अब ये करने के बाद मैं जाऊंगी नहाने और करूंगी भोजन ग्रहण। पहले ये लगा लेते हैं, फिर उसके बाद जाऊंगी मैं नहाने। इतने सारे कंटेनर में फ्लावर का बीज लगाने के बाद अभी भी देखो मेरे पास कितना फ्लावर बचा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी ना सच में मुझे बहुत ही ज्यादा रिच वाला फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। क्योंकि यार मुझे ना पैसों से मतलब नहीं होता, मुझे ज्यादा से ज्यादा जानवरों से और ये पेड़ पौधों से प्यार है, तो मुझे सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो अभी ये कंटेनर में तो मैंने डाल दिया बीज, अब मैं दूसरा कंटेनर लेने जा रही हूँ और उसमें डालूंगी ये सारे बीज, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस बार जो मेरा घर है ना हर तरफ खूबसूरत से खिलते हुए फूलों। तो अभी मैं लगाने जा रही हूँ, ये लगा दिया मैंने, अब इसको रख दूंगी धूप में। अभी आप देख सकते हो सारे कंटेनर में मैंने बीज डाल दिया है। अब इस पे मैं ऐसे ये वाला जो कोकोपीट का मैंने बनाया है ना मिक्सचर, अभी इस पे ये थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल दूंगी। क्या हो रहा है भाई, दोनों बच्चा इधर है, देखो ना इसका बदमाशी खुल गया है, बस गंदा होने का जल्दी हो रहा है। ओए इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, कहाँ उधर, इधर आ मंगल, इसको गोद में उठा के ले चलो तो। ओए पंडा इधर आ, यूटू टन 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 टन, ले 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 ले, अभी कांड होगा, कांड होगा। शिट यार, किसी को पकड़ा नहीं है। अरे शिवम तुम बहुत देर के बाद दिखे हो मेरे ब्लॉग पे, आ जा आ जा बेटा, आ जा आ जा आ जा। अच्छा वो भैया लोगों ने गेट बंद कर लिया था अपना, चल तू भी चल, तू भी चल, इसका मुंह देखो, चलो तू भी चल, चल चलो चलो चल, जल्दी भाग, जल्दी जल्दी भागो, अंदर कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, देखो नहला दू क्या, चल आजा आजा रूम में, चल रूम में, चल रूम में, चल मम्मा के साथ चल, नहीं तो मामा मारेगा, चल चल आजा, चल चल, कांटा चुभेगा तुमको, चल कहाँ बैठने की कोशिश कर रहे हो, चलो इधर आ, एटो देख लो यहाँ बैठ गया एक उधर, सब अपने अपने मर्जी की मालिक है हमारे घर में, आज चल एक बार पकड़ने दे, एक बार पकड़ने दे, अह भाई बंद हो गया तुम तो जेल के अंदर, अरे वाह इसका नाक, वी कैसे चिल्ला रहा है भाई, कैसे चिल्ला रहा है, अच्छा आ जा आ जा आ जा, चल आ जा आ जा, बाहर आ जा बाहर आ जा आ जा बाहर आ, चला चल जा अपने कमरे में, जा कमरे में जा, आके अपना टांग इतना ज्यादा गंदा करके तुम चाहते क्या हो, हुँ? क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हैं आप, मुंह दिखाइए, अरे वाह मेरा प्यारा बाबू। तो मैंने शावर ले लिया और ये रहा आज का मेरा भोजन, दाल की रोटी, परवल की सब्जी, खीर और मिर्च। तो मैं खाती हूँ खाना, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मैंने भोजन कर लिया और आज ना शायद से ग्रहण लगने वाला है, मतलब ऐसे मुझे सुनाई दिया है, दूर दूर से खबर आया है और ये दूर का खबर किसी और ने नहीं मेरी खुद की स्वयं बहन पूजा दीदी ने दिया है। तो क्या सच में ग्रहण लगने वाला है, और अगर लगने वाला है तो कितने से कितने बजे तक के लिए, वैसे तो मुझे पता होना चाहिए लेकिन माफ करना पता नहीं है, लेट उठने का असर है ये सब कुछ, तो एक बार बताइएगा जरूर कमेंट करके। तो ये था हमारा आज का वीडियो, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताना जरूर, और प्लीज यार प्लीज 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 जो मेरा लास्ट भजन रिलीज हुआ है ना उसपे जी भर के दबा के प्यार नहीं मिला है तो मेरा दिल खुश नहीं है, लिंक कमेंट में पिंक किया है मैंने और बायो में भी है, तो एक बार जाओ और शेयर कर दो यार, ज्यादा नहीं 5-10 लोगों को शेयर कर दो, सच में मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा सच में। तो बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।